साल और आपके पास अभी से डगमगा रहे हैं। किसी भी बड़े कार्य से पहले पग डगमगाना उचित होता है वासुदेव। यदि मनुष्य को अपने आप पर अति विश्वास हो जाए तो फिर वो असावधान हो जाता है। और जब मनुष्य के जीवन में डगमगाने का समय आता है तो सारी सृष्टि उसे असावधान होने के लिए विवश कर देती। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य को अति विश्वास हो ही जाता। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आप उत्पन्न करने जा रहे हैं वासुदेव? मैं कहां कोई स्थिति उत्पन्न करता। मनुष्य के कर्म स्थितियों को उत्पन्न करते हैं और उन स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमें उन स्थितियों के बांध देती। कल का युग उसी प्रण का परिणाम। नहीं वासुदेव, कल का युद्ध हस्तिनापुर के अहंकार का परिणाम है। हस्तिनापुर ने अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन के बांध पर पट्टी बांध ले। उस दिन मैंने स्वयं को वचन दिया, या तो हस्तिनापुर मेरी बहन को उसके बलिदान का उपहार देगा या उसका मूल्य चुकाएगा। बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य? विचित्र बात कि बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका व्यापार बनाया आप। वास्तव में आप प्रतिशोध यार में स्वयं अपने आप को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते हैं। अपने कर्मों को बलिदान कहकर स्वयं अपने आप को मत्सल्य मामस्ते। मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं वासुदेव? इस युद्ध को कर्म युद्ध कहकर आप सारे आर्यवर्त को खल रहे हैं। इस सारे संसार यदि मुझसे पाप कोई कपटी है तो वो केवल आप है वासुदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके धर्म युद्ध में आप खल का प्रयोग करके अधर्म अवश्य करेंगे। ये धर्म युद्ध ही है मामा श्री। यहां बल का प्रयोग ही होगा और फल का भी। यहां धर्म के लिए अधर्म किए जाएंगे।